हेलो व्यूअर्स, दिस इज डॉक्टर वाहिद बेग फ्रॉम जयपुर इंडिया। आइए आज बात करते हैं एक मर्ज के बारे में, एक बीमारी के बारे में, एक रोग के बारे में, एक डिजीज के बारे में। सैलानुरहम, ल्यूकोरिया या श्वेतपित्र, ये औरतों में होने वाली सबसे कॉमनेस्ट डिजीज है, सबसे आम बीमारी है जो औरतों में पाई जाती है। ये कम उम्र की बच्ची में भी पाई जाती है, बूढ़ी लेडीज में भी पाई जाती है, जवानों में भी पाई जाती है, यानी कि हर एज में ये मिलती है। कॉज अलग अलग होते हैं, उसके लिए हम डिफरेंशिएशन करेंगे और अभी देखेंगे। हालांकि ये फिजियोलॉजिकल भी हो सकती है और पैथोलॉजिकल भी हो सकती है। फिजियोलॉजिकली अगर हम देखें तो ये थोड़ा बहुत सीक्रेशन उस प्राइवेट पार्ट को, वेजाइना के पार्ट्स को, के पीएच को बरकरार रखने के लिए थोड़ा बहुत सीक्रेशन होता रहता है। वहाँ के टिश्यूज़ में नमी बरकरार, मॉइस्चर बरकरार रखने के लिए भी थोड़ा बहुत सीक्रेशन हो जाता है। ये एक आम सीक्रेशन है, ये प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये लिमिट से ज़्यादा हो जाए, हद से ज़्यादा हो, तो ठीक है, ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। लेकिन हम पैथोलॉजिकल ल्यूकोरिया या श्वेतपित्र की बात करें तो इसके बहुत सारे कॉजेज होते हैं। आमतौर से ये इस्ट्रोजन के इम्बेलेंस की वजह से होता है, और इस्ट्रोजन का इम्बेलेंस हरारत की वजह से बढ़ता है। अब हरारत के फिर बढ़ने के कई कॉज होते हैं, तो उस पर भी हम अभी डिस्कस करेंगे। और बहुत ज़्यादा होने वाले कॉजेज में एक जो पैरासाइटिक प्रोटोजोआ का इन्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसके अलावा ये फंगस की वजह से भी हो सकता है, ये यीस्ट की वजह से भी हो सकता है, ये बैक्टीरियल भी हो सकता है, और वर्म रहम मेट्राइटिस की वजह से भी हो सकता है, और ज़्यादा रुतुबत की वजह से भी हो सकता है। और ये जो रुतुबत है, ये जो सीक्रेशन है, वेजाइना से जो बहती है, मोहबिल या योनी हम कहें, तो वहाँ से जब ये सीक्रेशन होता है तो आमतौर से जनरली ये वाइट कलर का होता है। इसीलिए इसको ल्यूकोरिया कहते हैं। ल्यूको यानी वाइट, रिया यानी बहना, तो सफ़ेद पानी का बहना, या श्वेतपित्र सफ़ेद चीज़ का बहना। सैलानुरहम, यहाँ पे यूनानी को का ये टर्म देने की वजह यह है कि इसमें अक्सर ये रुतुबत रहम की तरफ से आती है, यूट्रस की वजह से आती है, तो वहाँ से लेकर के यहाँ तक के जो जेनाइटल ऑर्गन्स में से बहने वाली रुतुबत को सैलानुरहम के नाम से जाना जाता है। और इसके उसूल इलाज की अगर हम बात करें तो जो भी कॉज है, बेसिक कॉज है, उसको दूर करना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ही। लेकिन इसके अलावा जो जनरल वीकनेस है और जो यूट्रस की कंडीशन है, उसको नॉर्मलाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसके अलावा जिन लोगों को ल्यूकोरिया क्रॉनिक हो जाता है, बार बार होता है, उन लोगों के जो दूसरे वाइटल ऑर्गन्स हैं, चाहे वो लीवर हो या हार्ट हो, तो उनमें एक ख़ास किस्म की कमज़ोरी आ जाती है, उसको भी लिहाज रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आमतौर से हालांकि किसी भी इन्वेस्टिगेशन में वो पता नहीं चलता है, लेकिन ये एक तजर्बे की बात होती है, एक तजर्बे से आती है कि पेशेंट का बहुत माइन्यूटली इन्वेस्टिगेशन अगर आप करते हैं तो आपको समझ में आता है कि पेशेंट की कहाँ कहाँ कमज़ोरी है, क्या वीकनेसेस हैं। तो इसलिए उस दूर को दूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसका पूरा इलाज करने के लिए, जिसका कि आमतौर से ध्यान नहीं रखा जाता तो पेशेंट या तो ठीक नहीं होता या रिकरेंस होता है। यही वजह है कि अक्सर केसेस आपकी प्रैक्टिस में आते होंगे और कहते होंगे कि ये ट्रीटमेंट तो कभी ठीक होती ही नहीं है, ये तो ठीक हो ही नहीं सकती, या ठीक होती है फिर हो जाती है। इस तरह की शिकायत आमतौर से फीमेल्स करती हैं। अब अगर हम यूनानी तरीक़े इलाज या उसूल इलाज की बात करें तो यूनानी तरीक़े से इस केस को पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट किया जाता है। दिल, दिमाग, जिगर, जनरल वीकनेस, एवरीथिंग इज कंसिडर्ड वाइल ट्रीटिंग दिस टाइप ऑफ केस। तो हमें ये देखना होता है कि केस की वजह क्या है, इसका कॉज क्या है। असली सबब और कॉज को दूर करने के लिए ज़रूरी है कि आप फुली उसको इन्वेस्टिगेट करें केस को। तो इस केस को ट्रीट करने, क्योंकि ये साइकोलॉजिकली भी हो सकता है, एंग्जाइटी की वजह से भी हो सकता है, बहुत सारे वजूहत होते हैं जिसमें ब्रेन भी शामिल हो सकता है, सिर्फ ये एक यूट्रस की प्रॉब्लम नहीं है या जेनाइटल ऑर्गन्स की प्रॉब्लम नहीं है, इसमें दूसरे ऑर्गन्स की कमज़ोरी भी शामिल होती है। तो इस बात को हम अपने तजर्बे से इन्वेस्टिगेट करके, मालूम करके, पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लेने के बाद इस केस को ट्रीट करते हैं। तो यूनानी तरीके से इसका मुकम्मल ट्रीटमेंट करने के लिए ज़रूरी है कि आप पूरी तरह से इसको, केस को इन्वेस्टिगेट करें, इसकी हिस्ट्री मालूम करें, और इसका एवरीथिंग यू शुड नो अबाउट दिस केस बिफोर ट्रीटिंग दिस। तो आमतौर से जो हम इसका तरीक़ इलाज जो अपनाते हैं, उसमें हाबिसात, काबिजात और मुकव्वियात दवाएं दी जाती हैं, और उसमें हलवे की शक्ल में भी दवाएं होती हैं, गोलियों की शक्ल में भी होती हैं, माजून की शक्ल में भी होती हैं, कभी कभी आबजन भी होता है, यानी कि वॉशिंग, वेजाइना वॉश करने के लिए भी कुछ लिक्विड्स दिए जाते हैं, सफ़ू पानी में घोल करके दिए जाते हैं।
पेसरीज टाइप फर्जजा जिसको हम कहते हैं, अंदर रखने की दवाएं भी दी जाती हैं। इस तरह से कई टाइप्स की मेडिसिन होती हैं जो इसमें यूज़ की जाती हैं, और जनरल वीकनेस के लिए हम खमीरजात भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे बहुत सारे खमीरजात होते हैं उनको भी हम इस्तेमाल करते हैं। और माजूनों में माजून मकवी रहम है, या माजून मोचरस है, माजून सुपारी पाक है, ऐसी कई माजून हैं और सफ़ूफ हैं, गोलियां हैं, ये सब इस्तेमाल की जाती हैं पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से। पेशेंट एक ख़ास बात जो इसमें ट्रीटमेंट करते वक्त ध्यान रखने की बात है, चूँकि हम लोग खिल्त पे यकीन रखते हैं और ये खिल्त बेस्ड प्रॉब्लम होती है, इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि मरीज़ का मिजाज क्या है और मर्ज़ का मिजाज क्या है। ये अगर आप जानते हैं तो फिर इलाज करना बहुत आसान हो जाता है, न सिर्फ आसान हो जाता है बल्कि मुकम्मल इलाज बहुत जल्दी होता है और मुकम्मल होता है। तो ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मर्ज़ की वजह क्या है। ये हालांकि ये एक उसूल हर जगह अप्लाई होता है, सिर्फ इसी केस में नहीं है। डियर यूनानी फिजिशियंस, कहने को बहुत कुछ है, आप जानते हैं ये चैप्टर बहुत लंबा है, बहुत लेंदी है, लेकिन कुछ बंदिशें होती हैं, कुछ लिमिटेशंस होती हैं जिसकी वजह से हमें थोड़ा शॉर्ट करना होता है, लेकिन फिर भी कुछ गाइडलाइंस ट्रीटमेंट के बारे में शेयर करना चाहूँगा। अगर कोई केस सैलानो रहम का, लिकोरिया का है, और जिसको एमोनोरिया है, या मेंसेस कम आते हैं, स्केंटी आते हैं, या बहुत टाइम के बाद आते हैं, गैप के बाद आते हैं, इस तरह का केस अगर कोई है, तो आप चाहे हबे सैलान दें या तिरियाके सैलान दें या कोई भी मेडिसिन जो आप सेलेक्ट करते हैं दें, लेकिन उसके साथ माजून सुपारी पाक ज़रूर ऐड करें। इसी तरह से अगर कोई केस सैलानो रहम का है और उसको मिनोरेजिया है या मेट्रोरेजिया है, मेंसेस बार बार आते हैं, जल्दी जल्दी आते हैं, ज़्यादा ज़्यादा आते हैं, तो ऐसे केसेस के लिए कोरिया में आपको माजून को मोचरस ज़रूर शामिल करनी है। इसी तरह से अगर कोई केस सैलानो रहम का है और उसको एनीमिया है, तो आपको बाकी आप दवाएं जो भी आप पर डिपेंड करता है क्या सेलेक्ट करते हैं, लेकिन आपको कुश्त खब्ज़ुल हदीद या कुश्त फौलाद या ऐसी कोई भी आयरन प्रिपरेशन ज़रूर शामिल करनी है। इसी तरह से अगर आप देखते हैं कि कोई केस सैलानो रहम का है और उसको कैल्शियम की डिफिशेंसी है, तो कुश्त सदफ, कुश्त वेज़ मुर्ग या हब मरवारी दी कोई या जवहर वाली वीकनेस में खमीर गाउजुमा वगैरह, इस तरह की चीज़ें या दबाव में ऐसी चीज़ें आपको इनके साथ साथ ज़रूर शामिल करनी है। और हाँ, अगर वर्म रहम है, कमर में दर्द बताता है, पेशेंट बाहर प्यूबिक एरिया में भारीपन बताता है, पेन बताता है, प्रॉब्लम है, तो माजून दबीदुल वर्द भी शामिल करनी है। तो जो बेसिक नुस्खे जात हैं या बेसिक प्रिपरेशंस हैं लेकोरिया के लिए, वो अपनी जगह देनी है, लेकिन थोड़ा डिफ्रेंसीशन के साथ इन दवाओं में से कोई एक दवा भी ज़रूर शामिल करनी होती है। उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा ये चैप्टर। तो डियर यूनानी फिजिशियंस, इस गाइडलाइन को अपनाएं और आवाम को फ़ायदा पहुँचाएँ। थैंक्स।